आपने पिछले वीडियो में देखा है कि पेड़ की कटाई हुई और पेड़ को हटा लिया गया था खेत में से और खेत की जुताई भी हो गई थी। ट्रैक्टर के द्वारा छोड़े गए खेत को अब फावड़े के द्वारा खोदा जा रहा है ताकि खेत का कोई भी हिस्सा ना बचे। इसके पश्चात ट्रैक्टर को बुलाया जाएगा और उससे जुताई करवाई जाएगी। तो फाइनली गाइस ट्रैक्टर आ चुका है और जुताई शुरू हो गई है। तो जब तक ट्रैक्टर जुताई कर रहा है तब तक हम सभी फसलों के बीज लेके आ जाते हैं। फसलों के बीज में गेहूँ, सरसों, चना, मटर इत्यादि सब रहे। साथ में खाद भी लेके आना पड़ेगा जो कि फसलों के विकास में काफी सहायता प्रदान करता है। सबसे पहले खाद की छिड़ाई होगी, उसके बाद से खेत की नापाई होगी कि कौन सी फसल किस स्थान पर रहेगी और वहाँ पर फसल के बीज को छिट दिया जाएगा। फसल के बीज को छिटने के उपरांत मार्किंग होगी कि कौन सी फसल कहाँ तक लगाई गई है और उसके बाद ट्रैक्टर उसको मिला देगा। तो जब तक हम खाद और बीज लेके आते हैं तब तक आप ट्रैक्टर की जुताई को एंजॉय कीजिए। कल्टीवेटर टीलर से मिलाने के पश्चात इसको रोटरी टीलर से मिलवाया जाएगा। मिलाने के बाद मेड़बंदी भी आवश्यक होता है। तो ट्रैक्टर ने मिला करके अपना काम कर दिया है और हम बारी है हमारी। और मार्किंग के हिसाब से हमने भी अपना काम शुरू कर दिया है। इनका नाम है मिस्टर सत्यम जो कि बचपन से ही काफी मेहनती और मक्कड़ भी है। और ये है अंकित जो कि आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट है। खेती के प्रति इनका सराहनीय योगदान है। और ये है मिस्टर अंश जो कि नौवीं के स्टूडेंट है। इनके कारनामे बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। देखना है तो कमेंट सेक्शन में मिस्टर अंश लिख देना। जिम लवर के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। इनकी इंस्टाग्राम आईडी भी जिम लवर के नाम से है। मेड़बंदी का काम काफी जोरों शोरों से चल रहा है। काफी जल्द ही हम लोग बना के इसको खत्म कर लेंगे। बगल की एक खेत में सिंचाई का कार्यक्रम भी शुरू हो गया है। आज बुआई से ठीक 3 हफ्ता बाद यानी कि 21 दिन बाद गेहूँ की फसल में सिंचाई हुई। पानी लगने की वजह से इन चिड़ियों का घर बर्बाद हो गया है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।